YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार है। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात में 6:21 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि रहेगी। नक्षत्र रेवती दिन में 4:02 तक है, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। सूर्योदय 6:40 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 5:20 पर होगा। आज शुक्र और रेवती में राहु युति के कारण शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। आज दिन में 4:02 पर पंचक समाप्त हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष में 5 नक्षत्रों के विशेष मेल से बनने वाले योग को पंचक कहा जाता है। ये नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में विभाजित रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से पंचक प्रारंभ होता है और रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक रहता है। पंचक के दौरान कई शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। आज शुक्र प्रदोष व्रत है। हर महीने के दोनों पक्षों की सायंकालीन त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को अत्यंत ही प्रिय है। इस व्रत को करने से शिव प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ पुत्र प्राप्ति का वर भी देते हैं। इसके साथ ही अगर किसी खास दिन यह व्रत आता है तो उस दिन से संबंधित देवता का पूजन करना अति लाभदायी माना जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पण करें, वहीं आसन पर बैठकर पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। शुक्र प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और रोगों का नाश होता है। आज चातुर्मास व्रत समाप्त हो जाएगा। आज दाल दान कर दाल त्याग के व्रत का समापन करना चाहिए। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार को घर से निकलने से पहले दही या दही से बना पदार्थ खाना चाहिए। तो ये था आज का पंचांग। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।